हेलो एवरीवन, गाइस, टीचर्स, पेरेंट्स, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर द इंडिया, सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज वेरी बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस इफ यू वांट टू स्टडी। तो यार, इसका बहुत ही बड़ा कंसर्न था, इसके जो अप्लीकेशन थे वो 21 मार्च यानी कि 21 मार्च से लेके 1 मई 2022 तक ओपन थे। इसके जो फाइनली एडमिट कार्ड आने वाला था वो 10 मई को ट्यूजडे को आने वाला था, लेकिन बाई चांस वो रिलीज नहीं हो सका, और दिस रिलीज ऑन थर्सडे 12 मई 2022। सो आज 12 मई 2022 हो चुका है और अभी तक तो जो है एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही जो है आज शाम तक रात 12 बजे तक कभी भी जो है इसका एडमिट कार्ड रिलीज किए जा सकते हैं। तो आज अपन इसके बारे में जो है कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सीएमआई के अंदर। यार बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े हैं इसके रिगार्डिंग, सीएमआई इज द वेरी बेस्ट इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर द इंडिया एंड ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि आपने सोच भी नहीं सकते ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यार ज्यादा कुछ मेरे को वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि सीएमआई क्या है क्या नहीं है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यानी कि एक जन्नत है हमारे देश के लिए। एक कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों को इसके रिगार्डिंग कि भैया जो है जो भी स्टूडेंट्स हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर जस्ट नियरेस्ट गुड़गांव एंड अदर, सो जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे एक फ्रंट न्यूज रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो द गुड़गांव सेंटर इज नॉट अवेलेबल दिस ईयर, ऑल द स्टूडेंट वो ऑप्ट टू राइट द एग्जाम इन गुड़गांव हैव बीन अलॉटेड द न्यू दिल्ली सेंटर। ये जो गुरुग्राम जिसको अभी बोलते हैं इसको जनरली गुड़गांव बोला जाता है, एंड ऑल स्टूडेंट जो जिन्होंने जो है गुड़गांव ऑप्शन सेलेक्ट किया था गुरुग्राम, तो उनको जो है उस सेंटर को क्लोज कर दिया गया है ड्यू टू या तो यहाँ पर बहुत सारे कम अप्लीकेशन आए होंगे या फिर कुछ भी इश्यू हो, अब उनको जो सेंटर है वो दिल्ली के अंदर अलॉट किया जाएगा। हालांकि एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं किया गया है, जल्दी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी हम कुछ कंप्लीट में चर्चा कर लेते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट कंसर्न था, जो भी स्टूडेंट जो है केयूपीवाई का एग्जाम राइट करने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न ये है बहुत सारे स्टूडेंट्स केयूपीवाई का एग्जाम राइट करने वाले हैं जो कि 22 मई को है, सीएमआई का एग्जाम भी 22 मई को है, तो अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भैया आप केयूपीवाई का और सीएमआई का जो है दोनों एक साथ हम दे दें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके रिगार्डिंग जो है सीएमआई की वेबसाइट पे नोटिस डला हुआ है बहुत सारे दिनों से कि जो भी स्टूडेंट्स 22 मई को जो है केयूपीवाई एग्जाम देने वाले हैं वो विश टू अप्लाई द बीएससी प्रोग्राम इन सीएमआई, तो जो उनका जो एग्जाम है वो सीएमआई ऑन मंडे 23 at 10 AM से होगा। ओके, सो जो स्टूडेंट्स केयूपीवाई का एग्जाम दे रहे हैं वो उसका सटीक प्रूफ जो है इनको सेंड कर दे कि भैया हम जो है केयूपीवाई का एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारे लिए जो है स्पेशल एग्जाम कंडक्ट किया जाए संडे जो भी है 23 मई को, तो आपका एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एंड जस्ट और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं इसके रिगार्डिंग, तो जैसे ही आपका एग्जामिनेशन होता है रिएक्शन वीडियो जरूर दिखाएंगे हम, जो भी नियरेस्ट सेंटर है चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह का, तो जस्ट खूब पढ़ते रहिए, और यार जस्ट जो है यहाँ पे एडमिशन ले पाना बहुत आसान काम नहीं है, दिस इज वेरी वेरी टफेस्ट एग्जाम इन ऑल ओवर द इंडिया, बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं लेकिन जो है सिलेक्शन रेशियो कुछ ही परसेंट, 1% भी सिलेक्शन रेशियो नहीं है, रियलिटी तो ये है। तो दस यार खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। आज शाम तक जो है इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, वो कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जस्ट जो है मैं क्या करता हूँ, वन सेकेंड, आई एम गोइंग टू ए लिंक इन दिस अप्लाई नाउ, सो जस्ट यहाँ पे होम पे जाऊंगा मैं, जैसे मैं होम पे गया देन यहाँ पे जो है मेरे को कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे आई थिंक, यहाँ पे तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, एंड एक सेकेंड एडमिशन पे गया मैं, देन जो है इस पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह का ये रहा एप्लीकेशन देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो हमें आई थिंक लॉगिन का भी ऑप्शन मिलता है, ये देखो यूजी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो जैसे मैं यूजी एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया देन जो है मेरी ये यूजर आईडी है देन ये जो है मेरा पासवर्ड है, ओके देन मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, सो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो यार जस्ट जो है मैंने पेमेंट नहीं किया था, सॉरी यू हैव नॉट पेड द एप्लीकेशन फीस, तो द एप्लीकेशन प्रोसेस इज क्लोज,
तो जो है आपको यहाँ पे जो है एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा, तो जस्ट आप उस पर जो है क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है सीएमआई ने भी बिल्कुल क्लियर किया है कि उसके ऊपर जो है एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो है अपना जो है साथ में लेके आना है, क्या बोलते हैं उसको, आईडी कार्ड वगैरह, ओके। और कुछ घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, जैसा कि यहाँ पे एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल दिस डेट, देयर इज नो फोटोग्राफ और सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर द एडमिट कार्ड, यू हैव टू कैरी अ प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड टू टेस्ट सेंटर अलोंग विद अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड जस्ट लाइक आधार कार्ड और आईडी कार्ड फॉर योर स्कूल, एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड कैन बी गवर्नमेंट इश्यू डॉक्यूमेंट लाइक ए पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड ए लेटर टेस्ट बाई ए स्कूल और कॉलेज एम्प्लॉय। ठीक है गाइस, तो यार आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो जस्ट खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और खूब पढ़ते रहिए, वो तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, पढ़ने का ही बोलेंगे हम, तो खूब पढ़ो और बस चिल करो, ठीक है। और आई थिंक जो है आपका जरूर सिलेक्शन होगा, बिल्कुल तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।